जी है सब, सहारनपुर में आप सभी का स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक मध्यकालीन भारत का दूसरा चैप्टर है। इसमें पहला चैप्टर हमने जो पढ़ा था, हमने इस्लाम धर्म का उदय और खलीफाओं के बारे में पढ़ा था। उसके बाद जो आज हमारा चैप्टर है वो अरब आक्रमण है। आज मैंने थोड़ा सा मैप पहले बना दिया है ताकि चीज़ें ईजिली समझ में आए, ठीक है। हम थोड़ा सा मैपिंग के हेल्प से समझेंगे कि कैसे कैसे अरब का आक्रमण होता है, कहाँ पे, भारत में, और भारत के किस क्षेत्र में, सिंध में, ठीक है। तो हमने अपनी पहली वीडियो में एक चीज़ देखी थी कि जो इस्लाम धर्म था वो, ये मैंने मैप में बनाया है अरब, ये अरब है, ठीक है, अरब क्षेत्र जो वर्तमान का सऊदी अरब और भी बहुत सारे देशों से मिलकर बना है, ठीक है। इस अरब क्षेत्र में ही, सब अरब क्षेत्र के मक्का में मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। उसके बाद उनकी मृत्यु तक इस पूरे अरब क्षेत्र में, मतलब इस पूरे एरिया में इस्लाम धर्म फैल चुका था, ठीक है। जब इस्लाम धर्म इस क्षेत्र में फैल जाता है तो ये, इसके बाद जब इस एरिया को पूरे को कवर कर लिया जाता है इस्लाम धर्म द्वारा, तो इसके बाद वे बाकी और दूसरे एरिया की तरफ को जाते हैं, जिसमें कुछ इधर की साइड को आते हैं, ये अफ्रीका महाद्वीप पर जितना भी आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। इस यहाँ पे मिस्र है, इसे इजिप्ट बोलते हैं। मिस्र और इसके आसपास के क्षेत्र में अरब के लोग इस्लाम धर्म स्वीकार करने के बाद फैल गए, मतलब इधर भी इस्लाम का प्रचार हुआ। इधर की तरफ यूरोप है, ठीक है, यूरोप के क्षेत्र में भी इन्होंने कोशिश करी इस्लाम धर्म को फैलाने की, लेकिन यूरोप में जो रोमन साम्राज्य था वो बहुत ही, मतलब एक तरह से कह लो, एक तरह से बहुत ही स्ट्रोंग था, और उन्होंने इन अरबी मुसलमानों का डट के सामना किया था। तो इस क्षेत्र में तो इनका इस्लाम का साम्राज्य नहीं फैल पाया। तो अब इस क्षेत्र में भी हो गया, इसमें इनको काम बना नहीं, तो उसके बाद ये धीरे धीरे इस क्षेत्र की तरफ बढ़े। यह है ईरान, वर्तमान का ईरान देश, पहले इसको फारस बोला जाता था, ठीक है, पहले इसको फारस देश कहा जाता था और यहाँ के लोगों को फारसी कहा जाता था, ठीक है। फारस के क्षेत्र पे आए, फारस के क्षेत्र का भी इन्होंने इस्लामीकरण कर दिया, मतलब इस्लाम धर्म का प्रचार किया, लोगों के साथ युद्ध किए, उस इलाके को जीता, और जीतने के बाद लोगों को कहा कि आप इस्लाम धर्म स्वीकार करो। इस तरह से इस एरिया में भी इस्लाम धर्म का प्रचार हो चुका था। इधर भारत है, ये जो एरिया है पाकिस्तान का है वर्तमान का, उस टाइम पाकिस्तान नहीं था, ठीक है। ये ईरान का क्षेत्र है, जिससे कि हम आज की स्थिति के हिसाब से समझेंगे कि आज वो जगह कहाँ पे है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, जब इन्होंने ये एरिया भी यहाँ तक का जीत लिया, उसके बाद ये बढ़ते हैं आगे किधर, ये एरिया है पाकिस्तान का, उस टाइम किसके एरिया में था, भारत के अंडर में, ठीक है। तो ये एरिया जो है, ये सारा का सारा इस, ये वाला एरिया सिंध था, ठीक है, इतना एरिया, मैंने कुछ शहरों के नाम भी लिखे हैं इसमें, सिंध था। इस सिंध के क्षेत्र पे इनके आक्रमण होते हैं। अब उसी को हमें पढ़ना है कि अरब आक्रमण, भाई जो फारस पे आक्रमण हो रहा है वो भारत से संबंधित नहीं है, इधर का आक्रमण ही भारत से संबंधित है, इसी के बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है। यही अरब आक्रमण, तो भारत में इस्लाम धर्म का जो सबसे पहले परिचय कराया गया था वो अरबी मुसलमानों द्वारा ही कराया गया था, क्योंकि भारत में आने वाले या भारत पे आक्रमण करने वाले पहले मुसलमान अरबी ही थे, ठीक है। इतना क्लियर हो गया कि सबसे पहले अरबी मुसलमान ही आए थे, कहाँ के, अरब के, अरब क्षेत्र के। हमने इससे पहले चैप्टर में पढ़ाई है कि कैसे कैसे इस्लाम धर्म का उदय होता है। तो सबसे पहले भारत में आने वाले मुस्लिम कौन थे, अरब थे, ठीक है। होता क्या है, सबसे पहला आक्रमण अटैक जो होता है अरबों का 636 ईस्वी में होता है। उस टाइम खलीफा था उमर खलीफा के टाइम पे, ठीक है। मैंने पहले पढ़ाया ही था खलीफाओं के बारे में, खलीफा उमर के समय में सबसे पहला ही जो अटैक होता है 636 में होता है, ठीक है। 636 का जो अटैक होता है एक नाविक मुसलमानों के द्वारा होता है, नाविक मुसलमानों का एक दल आता है, मतलब नाव पे सवार होके वो आता है, वो कहाँ करता है, देवल बंदर कहाँ पे आक्रमण करता है, ठीक है। इधर से आते हैं समुद्र के रास्ते, यहाँ पे आके आक्रमण करते हैं। देवल बंदर का जो है, मतलब देवल का जो पोर्ट था, आज का जो कराची है पाकिस्तान का, जो कराची शहर है आपने सुना होगा, उसको उस टाइम पे देवल बोलते थे, ठीक है। देवल पोर्ट था, यहाँ पे आक्रमण किया था इन्होंने। ये आक्रमण इनका असफल हो गया था, मतलब सक्सेस नहीं हुआ था, अनसक्सेसफुल था, ठीक है। उसके बाद इनके जो आक्रमण होते हैं, ये जब सक्सेसफुल नहीं हुआ, कुछ समय बाद फिर से आक्रमण करते हैं। फिर इनका जो आक्रमण होता है, इधर भरूच पड़ता है गुजरात में, भरूच, ठीक है।
यहाँ पे होता है भरूच में इनका आक्रमण, उसके बाद फिर इनका फिर से दोबारा देवल पे आक्रमण होता है, फिर से इनका एक मकरान है, मकरान जगह है, उस टाइम में सिंध के एरिया में ही आती थी, आज इसकी पहचान ईरान में है, ईरान में मकरान तट पड़ता है, ठीक है, मकरान में इसकी जगह है, ठीक है, यहाँ पे आक्रमण होते हैं सबसे पहले देवल पे, देवल पे अनसक्सेसफुल हुए, इसके बाद फिर ये भरूच में आए, ठीक है, भरूच, भरूच पे इनका सक्सेसफुल नहीं हुआ, फिर ये आए मकरान तट पे और देवल पे फिर से इन्होंने आक्रमण किया, ठीक है, ये सारे के सारे इनके अटैक अनसक्सेसफुल रहे थे, ठीक है। उसके बाद सातवीं सदी में फिर से ये दोबारा आते हैं, अब की बार ये क्या करते हैं, बार बार अटैक कर रहे थे, ट्राई कर रहे थे इन एरिया को जीतने की, ये जो मकरान तट है इस एरिया को ये जीत लेते हैं, भाई देखो लगातार ट्राई कर रहे हैं, एक टाइम तो ऐसा आएगा ना कि जब ये जीत जाएंगे, तो इस मकरान तट को ये जीत जाते हैं, ठीक है। अब ये मकरान तट भी कहाँ है, ईरान में है, इसकी आज के टाइम में इसकी पहचान है, एक चारवाहा पोर्ट है, ठीक है, आपने न्यूज में भी सुना होगा, फेमस पोर्ट है जो चर्चा में रहता है, चारवाहा पोर्ट, ठीक है, उसी को पहले मकरान तट बोलते थे, तो मकरान तट की वर्तमान पहचान क्या है, चारवाहा पोर्ट, ठीक है, वर्तमान पहचान, तो ये मकरान तट को जीत जाते हैं। ये जो मकरान तट को जीतता था, किसके नेतृत्व में यह हमला हुआ था, इब्न अल हरी अल बहित्ती, ठीक है, ये एक आदमी था, ये अरबी भाषा का नाम है, एक व्यक्ति का अरबी भाषा के नाम ऐसे इतने बड़े बड़े होते हैं, ठीक है, ये इब्न अल हरी अल बहित्ती का नेतृत्व में ये आक्रमण हुआ था मकरान तट पे, इस क्षेत्र को भी बारे में जीत लेते हैं, इतने सारे आक्रमण करने का फाइनली इन्हें सक्सेस मिल जाती है, ठीक है, इस क्षेत्र पे हो जाता है इनका कब्जा, ठीक है। उसके बाद जो इनका सफल आक्रमण हुए थे वो हुए थे, इधर मैं लिख देता हूँ, 712 ईस्वी में, कब हुए थे, 712 ईस्वी में, कहाँ पे हुए थे, सिंध पे, वही जो हमें पढ़ना है, हमारा मेन टॉपिक है सिंध पे अरब का आक्रमण, 712 ईस्वी में किसके द्वारा हुए थे, मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है, इसने सिंध का सफल आक्रमण किया था 712 ईस्वी में। उस पे जाने से पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं सिंध के बारे में, सिंध क्या था, क्या इसकी स्थिति थी, कौन कौन वहाँ पे राजा थे, क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम के युद्ध होंगे उनके साथ, कहाँ पे कौन सा युद्ध हुआ था, उससे पहले हम थोड़ा थोड़ा सा जान लेते हैं ताकि समझने में हमें प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो थोड़ा सा हम सिंध का बेसिक इंट्रोडक्शन लिखते हैं। सिंध आज के टाइम में पाकिस्तान का एक स्टेट है, जैसे हमारे यहाँ 28 राज्य हैं ना और 8 केंद्र शासित प्रदेश, जैसे यूपी, बिहार, ठीक है, हरियाणा, राजस्थान, इसी तरह सिंध जो ये एरिया, देखो मैंने बताया कि इधर हमारा भारत है, ये पाकिस्तान के एरिया, जो ब्लू कलर है, ये ब्लू कलर से मैंने सिंधु नदी बनाई है, ठीक है, मैं इधर लिख देता हूँ इसको सिंधु नदी, सिंधु नदी से ही इस एरिया का नाम पड़ा है सिंध, ठीक है, ये इधर का एरिया है, ये नीचे का, ये इतना, ये सारा का सारा ये सिंध का एरिया है, ठीक है, ये सिंध क्षेत्र पे इनका आक्रमण होता है। अब सिंध को जानते हैं थोड़ा सा सिंध के बारे में, ठीक है, सबसे पहले जानते हैं हम सिंध की राजधानी क्या थी, सिंध की राजधानी थी अरोर, अरोर क्या थी, राजधानी, देखो ये सिंधु नदी है, कहीं पे तुम्हें अरोर दिख रहा है, ये अरोर, यही सिंध की राजधानी थी, ठीक है, इतना क्लियर आपको, सिंध की राजधानी अरोर हो जाती है। अगर आप प्राचीन भारत में, आपने एक राजा का नाम सुना होगा हर्ष, हर्षवर्धन, जब हम प्राचीन भारत पढ़ेंगे तो हर्ष के बारे में पढ़ेंगे, हर्ष का जो टाइम आया था, हर्ष ने सिंध के एरिया को जीत लिया था, ठीक है, क्योंकि उसका राज्य बहुत बड़े क्षेत्र में था भारत के, जैसे हर्ष की मृत्यु हो जाती है, सिंध हो जाता है इंडिपेंडेंट, मतलब जहाँ यहाँ का लोकल राजा था वो इसको इंडिपेंडेंट घोषित कर देता है, ठीक है। फिर आपने नाम सुना होगा ह्वेनसांग का, जो चीन का एक यात्री था, बुद्ध के समय में भारत आया था, ठीक है, ह्वेनसांग ने एक बात कही है कि ह्वेनसांग के अनुसार यहाँ पे सातवीं सदी में शूद्र वंश का शासन था, कहाँ पे, सिंध में, क्योंकि हम सिंध की बात कर रहे हैं, यहाँ पे शूद्र वंश का शासन था, ठीक है, जो बौद्ध धर्म को मानते थे, इसका वर्णन मिलता है ह्वेनसांग के अनुसार, ठीक है।
फिर कुछ टाइम बाद यहाँ पे एक राजा आता है रायवंश का, जैसे सूद्रवंश था ना, यहाँ पे रायवंश की सत्ता आती है सूद्रवंश के बाद। सूद्रवंश के बाद किसकी सत्ता आती है? रायवंश की, वंश, ठीक है। अब इस रायवंश का ही एक राजा था जिसका नाम है सिहिरस सेकंड, इसे साहस्र सेकंड भी कहते हैं, सेकंड या द्वितीय कुछ भी बोल लो आप, या तो सिहिरस होगा लिखा हुआ या साहस द्वितीय, एक ही बात है, ठीक है, सिहिरस या साहस, एक राजा ये आया था, ठीक है। साहस के समय में एक चीज आपको याद रखनी है, एक निमरुज था राजा, निमरुज का आक्रमण इसी साहस के समय में हुआ था। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, बस इसको ऐसे फैक्ट इसमें याद रख लेना कि निमरुज का आक्रमण सिंध पे इसी साहस द्वितीय के समय में हुआ था, ठीक है। अब हमारी कहानी कहाँ तक आ गई? साहस द्वितीय तक, ठीक है। अब ये जो साहस द्वितीय था, इस साहस द्वितीय का प्रधानमंत्री था, प्रधानमंत्री मतलब पीएम, एक पीएम था चार्ज, उसका नाम था चार्ज, ठीक है। राजा के पास सबसे महत्वपूर्ण मंत्री प्रधानमंत्री होता है, वो होता है पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री चार्ज। चार्ज एक ब्राह्मण था, ठीक है, चार्ज एक ब्राह्मण था, ठीक है, इसका प्रधानमंत्री था। इस चार्ज ने क्या किया, सिहिरस की हत्या कर दी, हत्या करके ये चार्ज खुद बन जाता है सिंध का राजा। इतना क्लियर है, सिंध का राजा बन जाता है और सिंध पे चाच वंश की स्थापना कर देता है। चाच वंश की स्थापना, देखो सबसे पहले हर्षवर्धन आया, हर्षवर्धन ने क्षेत्र को जीता, हर्षवर्धन के बाद इंडिपेंडेंट हो गए, नॉर्मल राजा आ गए इस एरिया के, जिसमें अविंसान कहता है सातवीं सदी में यहाँ पे सूद्रवंश था। सूद्रवंश के बाद यहाँ रायवंश आया, रायवंश का ही राजा था लास्ट राजा सिंहरस या साहस द्वितीय, इसका प्रधानमंत्री था चाच नाम का ब्राह्मण, जो इसकी हत्या करके खुद राजा बन जाता है चाच, और कौन से वंश की स्थापना करता है, चाच वंश की, ठीक है। एक चाच ब्राह्मण था एक, और चाच वंश कह लो या इसको ब्राह्मण वंश कह लो, उसकी स्थापना करता है, ठीक है। अब इस चाच के बाद एक राजा बनता है, देखो चाच राजवंश बन गया, ठीक है, चाच के बाद एक और राजा आएगा, उसके बाद चंदर, ठीक है, देखो चाच, चाच के बाद राजा बनता है चंदर, चंदर के बाद एक राजा बनता है दाहिर, चाच, चाच के बाद चंदर, चंदर के बाद आता है दाहिर। ये दाहिर ही इंपॉर्टेंट है हमारा, क्योंकि मैंने बताया था जो सिंध पे मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण हुआ था 712 में, अभी अरबों का सफल आक्रमण वो दाहिर राजा के समय में हुआ था। किसके समय में हुआ था? दाहिर के, ठीक है। थोड़ा सा मैंने बताया था ना, मोहम्मद बिन कासिम ने सफल आक्रमण किया था सिंध पे, मतलब सिंध को जीतता था, आक्रमण हुआ था सिंध की बात कर रहे हैं तो सिंध पे ही हुआ है, कब? 712 ईस्वी में, ठीक है, 712 ईस्वी में। उस टाइम सिंध का राजा कौन था? ये जो दाहिर है ये ही सिंध का राजा था। अब इतनी कहानी समझ में आ गई होगी, क्लियर है। राजधानी क्या थी? अरोर थी। सिंध का राजा था दाहिर, 712 में हमला हुआ था। अब थोड़ा सा हम ये जान लेते हैं कि भाई ये हमला हुआ क्यों था सिंध का, ये तो हमें पता है कि इस्लाम धर्म का प्रचार कर रहे थे इस वजह से इन्होंने हमला किया था, पर ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्ट हमला कर देंगे, उस टाइम में तो कुछ बहाना तो लेना पड़ता है ना हमला करने के लिए, ठीक है, लड़ाई करने के लिए कुछ तो बहाना। मान लो आपकी किसी के साथ लड़ाई है, जैसे किसी भी लड़के के साथ आपकी लड़ाई है, आप अपने दोस्तों को इकट्ठा करते हो कि यार मुझे ना उसको पीटना है, ठीक है, वैसे लड़ाई करना गलत बात है पर समझते हैं कि हमें उसको पीटना है, आप उसको डायरेक्ट नहीं पीटोगे कि उसको पकड़ लोगे, आप कोई बहाना देखोगे तो उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करोगे, मतलब कोई ऐसा बहाना जिससे वो तुम्हें कुछ बोले, उल्टा बोले, जिससे वो बहाना लेकर आप उस पर लड़ाई कर दो, इसी तरह से कुछ तो बहाना ही चाहिए था। अब हम थोड़ा सा पढ़ते हैं बहाने के बारे में कि आक्रमण के क्या कारण थे, जो मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किए थे क्या कारण रहा था उस टाइम, ठीक है। थोड़ा सा यहीं पे हम आक्रमण के बारे में हम जान लेते हैं, ठीक है। देखो ये कहा जाता है इतिहासकार थे जो, उन्होंने अलग अलग कारण बताए हैं कि कोई मतलब तीन कारण बताए हैं अलग अलग तरह के,
अब असली नहीं पता कारण क्या था क्या नहीं, हम एक एक करके तीनों कारणों को पढ़ते हैं, ठीक है। तीन कारण मतलब किसी ने कहा कि ये हो सकता है या ये हो सकता है ऐसे करके। पहला कारण में देखते हम क्या है, ठीक है। पहले कारण में सीधी सी बात ये थी, भारत है। अब अगर भारत का मैप यहाँ तक का हम ले लें ऐसे, ठीक है, यहाँ पे श्रीलंका होती है, दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा है मुझे नहीं पता, पर वैसे समझ लो कि श्रीलंका है, ठीक है। अब कहा जाता है कि श्रीलंका का जो राजा था, ठीक है, अरबी लोग ना व्यापार बहुत करते थे, व्यापारी थे, ठीक है। श्रीलंका के राजा ने, इसके यहाँ पे कुछ व्यापारी आए हुए थे, अरबी व्यापारी, ठीक है, उनकी फैमिली भी थी, मतलब लड़की भी थी उनके साथ, उनकी फैमिली थी। उन कुछ अरबी व्यापारी ऐसे थे जिनकी मौत हो गई थी, भाई नॉर्मल मर जाते हैं आदमी, घर से बाहर है, काम कर रहा है। तो उसने उन व्यापारियों की लड़कियाँ जिनकी मौत हो चुकी थी, भाई उनके पिता तो चले गए, अब उनका पालन पोषण कौन करेगा, उनकी देखभाल कौन करेगा, उन्होंने इन लड़कियों को यहाँ पे भेज रहा था वो इराक, इसमें इराक यहाँ को पड़ता है, ठीक है, ईरान के पास में एक इराक है, इराक भेज रहा था यहाँ से ऐसे करके पानी के रास्ते, समुद्र के रास्ते ऐसे करके इराक में भेजा जा रहा था, ठीक है, कि भाई अब हम क्या करेंगे, इनके तो माता पिता चले गए, व्यापारी हो गए, इनकी लड़कियों को वापस इनके देश में भेज देते हैं, ठीक है, कि वो इराक में भेज रहा था, ठीक है। अब कहा यह जाता है कि रास्ते में पड़ता है देवल बंदरगाह, ठीक है, इस देवल बंदरगाह के पास समुद्री लुटेरे इन लड़कियों को लूट लेते हैं, ठीक है। पहले कारण में क्या है, देवल बंदरगाह पर समुद्री लुटेरों द्वारा इराकी व्यापारियों की लड़कियों का अपहरण, लूटना अपहरण करना एक ही बात है, ठीक है, का अपहरण कर लेते हैं, ठीक है। अब ये कहानी मैंने बताई दी है कि क्यों अपहरण हुआ था, ठीक है, वे कौन लड़कियां थी, ठीक है, इतना क्लियर है, लड़कियों का अपहरण कर लेते हैं। कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि भाई या तो ये घटना यही हो सकती है, या फिर और लगा दिया मैंने, या फिर कारण ये हो सकता है कि वही बात कि कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि जो श्रीलंका का वो था ना, क्या बोलते हैं, राजा, वही बात, ठीक है, जो श्रीलंका का राजा था उसने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था, तो जब इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया उसने खुश होकर कुछ सैनिक और बहुत सारे अच्छे अच्छे गिफ्ट्स या उपहार वो इराक भेज रहा था, इराक के खलीफा के पास भेज रहा था, ठीक है, मैंने बताया पहले अलग अलग खलीफा रहे, इराक के खलीफा के पास वो भेज रहा था। तो उस दौरान क्या होता है, जैसे पहले इतिहासकार ने कहा था कि वो लड़कियों को भेजा था, इन्होंने कहा कि कुछ सैनिक और बहुमूल्य उपहार लेकर जा रहा था, उन्हें भी देवल बंदरगाह के पास समुद्री लुटेरे लूट लेते हैं, ठीक है, वही बात है यहाँ पे भी, बस कहानी थोड़ी अलग हो गई, बात तो वही है, बस मैं इसमें ये लिख देता हूँ, कहानी आपको पता ही है कि देवल बंदरगाह पर लूट, कहानी थोड़ी सी तो चेंज हो गई है, आधार तो वही है, वही बंदरगाह है, ठीक है, वही से लुटेरे हैं, या फिर और कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि इराक का जो वो था ना खलीफा, उसने अपने लोगों को भेजा था भारत कि आप भारत जाओ, भारत से कुछ जरूरी जरूरी चीजें उनको खरीद के लेके आओ, उसमें दास भी थे और भी बहुत इंपॉर्टेंट हीरे मोती थे कि आप खरीद के लेके आओ, ठीक है, क्योंकि भारत के प्रसिद्ध थे कि आप खरीदना, जब ये खरीद के भारत से आ रहे थे तो इनको भी देवल बंदरगाह पे लूट हो जाती है, ठीक है, भारतीय उपहारों की लूट कहां पे, सेम वही देवल बंदरगाह पे। भाई देखो कहानी तो मिलती जुलती है एक दूसरे से, वही वहीं पे लूट हो रही है, बस अलग अलग है, कोई कहता है कि शायद ये हुआ था, कोई कहता है ये हुआ था, अपनी अपनी इनकी एजेप्शंस थी, ठीक है, पर इन द एंड बात घूम के ही आती है कि भाई इन तीनों में से रीजन कुछ भी रहा हो, ठीक है, उन्होंने अरबी लोगों ने इस चीज़ का फायदा उठाया, ठीक है, इन्होंने बहाना लिया कि ये बहाना ढूंढ रहे थे, मैंने जो भी बताया कि हम किस तरह से सिंध पर आक्रमण करें, इनका सीधा सीधा सा एक ही उद्देश्य था,
इनका तो एक ही उद्देश्य था, सिंध पर हमला करना, कि कुछ भी हो हम तो किसी बहाने से सिंध पर हमला करेंगे। और वो हमला करने का बहाना इन्हें मिल नहीं रहा था, अब इन्हें वो मिल गया। हमला करेंगे किस लिए? एक तो यही कि इस्लाम धर्म का प्रचार करना है हमें, प्रचार भी और प्रसार भी। देखो धर्म के प्रचार के दो तरीके हैं, एक तो है कि आप अपने धर्म के बारे में अच्छी बात बताओ और दूसरे धर्म की कमियों को बताओ कि हमारा धर्म इतना अच्छा है आप ये धर्म स्वीकार कर लो। वो डिपेंड करता है आपकी इच्छा पे, सुनने वाले की इच्छा पे कि उसको क्या अच्छा लगता है क्या नहीं है। ये तो हो गया सबसे अच्छा तरीका। दूसरा होता है कि भाई मैं जैसे तुम्हारी कनपट्टी पे बंदूक लगा दूं और कह दूं, या आपकी फैमिली को पकड़ दो, कह दूं कि या तो आप इस धर्म को स्वीकार करो किसी भी धर्म को, नहीं तो मैं आपको मार दूंगा। वो होता है जबरदस्ती धर्म का, ठीक है। तो ये बहाना ढूंढते थे कि सिंध पर हमला करें, सिंध को जीतेंगे, ठीक है, यहाँ पे इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार कर, लोगों को जबरदस्ती इस्लाम धर्म में परिवर्तन करवा देंगे। वही ये करते थे, इधर ही मिस्र के क्षेत्र और आसपास के उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र में गए थे, इधर रोमन साम्राज्य मजबूत था। अब भारत का तो आपको पता ही है, इतिहास रहा है कि राजा कभी एक नहीं होते थे, इसलिए एक साथ लड़ाई नहीं कभी है। इधर इन्होंने रोमन साम्राज्य ने इन्हें इधर फैलने नहीं दिया। आज भी अगर यूरोप में कोई मुसलमान है वो आधुनिक समय में गए हैं, ठीक है, प्राचीन काल में जिस तरह से आक्रमण हुए उधर कोई आक्रमण नहीं हुए थे उस टाइम, क्योंकि उन्होंने उसका कड़ा प्रतिरोध करा था, अरबियों का हराया था, ठीक है। तो जो आज के टाइम में गए हैं वो आधुनिक भारत के समय में गए हैं, ठीक है। तो इन्हें तो एक तो इस्लाम धर्म का प्रचार, दूसरा उद्देश्य था इनका इस एरिया से, भाई जब इनका एरिया होगा लूटना, किस धन को लूटना, धन को लूटना और खुद अमीर बन जाना, बन जाना धन को लूटना और उससे अमीर बन जाना। एक तो भाई हम यहाँ जाएंगे इस्लाम धर्म का प्रचार भी करेंगे, ऊपर से तुम्हारा जो खजाना हो सब कुछ है उसको हम लूट लेंगे। ये दो इनके उद्देश्य थे, कारण कुछ भी रहे हो उद्देश्य इनके आपको समझ में आ गए। इसके बाद हमें देखना है कि हमने बैकग्राउंड पढ़ लिया, पहले तो हमने पढ़ा कि अरब का किस तरह से अरब क्षेत्र में इस्लाम धर्म का उदय हुआ, फर्स्ट चैप्टर्स का हमने देखा कि कैसे कैसे गए यहाँ पे, किसका कैसे कैसे आक्रमण होता है। सफल आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम का 712 में होता है, कहाँ पे, सिंध पे। सिंध के बारे में हमने थोड़ा सा बैकग्राउंड जाना कि कौन सा एरिया सिंध का है, कौन कौन वहाँ पे राजा रहे और क्या कारण रहे कि जिनसे हमला हुआ। अब कारण कुछ भी रहे उद्देश्य क्या थे, अब हम देखते हैं वो हमले का क्रम क्या था, भाई कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी लड़ाइयाँ हुई हैं, ठीक है, कि जिस भी आप पे इन्होंने पूरे सिंध को कैप्चर कर लिया था। अब हमारा इससे अगला टॉपिक है सिंध पर आक्रमण या अभियान, ठीक है, कि कैसे कैसे अभियान हुए हैं, ठीक है। अब इन अभियानों को जानेंगे हम इससे अगली वीडियो में, ठीक है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है ना, आप लोगों को भी पढ़ने में बोरियत फील होती है, इसलिए मैंने सोचा है कि छोटी छोटी वीडियो बनाऊंगा 30 से 35 मिनट की, या उससे भी कम ही, मतलब 30 से 35 मिनट का एवरेज लेके चलेंगे, कोई थोड़ी ज़्यादा हो सकती है कोई कम, थोड़ा थोड़ा पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे जिससे आप इजीली पढ़ो, क्योंकि मेरा एक ही उद्देश्य है, एक ही ऑब्जेक्ट है मेरा कि आप एक बार पढ़ो। जैसे मैं मध्यकालीन भारत पढ़ा रहा हूँ आपको, आपको कोई भी एग्ज़ाम, आपको वन डे एग्ज़ाम हो या फिर PCS लेवल तक का, IAS की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, PCS लेवल तक का प्रीलिम्स, मेंस की बात नहीं कर रहा, मैं ऐसे बड़ी बड़ी बातें नहीं करता हूँ, प्रीलिम्स लेवल का एग्जाम आपका एक बार में कवर हो जाए, इसलिए एक बार पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, पर रुक के पढ़ो, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, ठीक है भाई। जो पहली बार पढ़ रहा है उसके लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जिसका बेसिक ही क्लियर नहीं है, ठीक है, उसको तो बिल्कुल जीरो से पढ़ना है, एक बार ही अच्छा पढ़ेगा। और जो पुराने हैं, ठीक है, उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा, अगर भाई आप पढ़ रहे हो इसका मतलब अभी तक सफल नहीं हुए हो, जब अभी तक सफल नहीं हुए थोड़ा सा मेरे साथ भरोसा बना के देख लो, थोड़ा धीरे धीरे पढ़ के देख लेते हैं, लंबी बनेगी वीडियो, मतलब नंबर्स ऑफ वीडियो ज़्यादा हो सकती हैं हमारी, देखते हैं कहाँ तक चलेगी बात, पर एक एक चीज़ क्लियर करके मैं पढ़ाऊँगा कि कोई भी चीज़ छूटे ना, 90% की गारंटी लेके चलेंगे, ठीक है, कि अगर आपके क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आए तो 9 तो आपके सोल्व हो ही जाएंगे मेरे पढ़ाए हुए से, ठीक है, 100% कुछ नहीं होता है जीवन में। तो हम इससे अगली वीडियो में देखें छोटी छोटी करके, ताकि आपको भी बोरियत ना हो और कोर्स भी अच्छे से चले, क्योंकि एक साथ सारा पढ़ देना तो वो याद रहेगा ना, आपकी समझ में आएगा, ठीक है। अगर आपको कोई भी फीडबैक हो, क्योंकि मैंने अभी स्टार्ट किया है, अगर आपको कोई भी फीडबैक हो आप कमेंट जरूर करना, मुझे बताना कि मैं क्या सुधार करूँ उसमें, या क्या और मैं अच्छा कर सकता हूँ आपके लिए, क्योंकि मैं आपके लिए ही हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो देखते हैं इससे अगली वीडियो में हमारा स्टार्ट होगा,
अरब आक्रमण या अभियान क्या क्या हुए इसके अभियान के बाद, अरबों का जब सिंध क्षेत्र में अभियान हुआ तो अरबों के आक्रमण से प्रभाव क्या पड़ा भाई? जिस एरिया को वो जीत लेंगे उस एरिया में रहेंगे, कुछ इफेक्ट भी तो पड़ेंगे ना, तो क्या प्रभाव पड़े? क्योंकि हम रटेंगे नहीं, हम समझ डेवलप करके इंडस्ट्री, ठीक है, पढ़ेंगे इस चीज़ को, ठीक है, देखते हैं अगली वीडियो में, ठीक है, तब तक के लिए पढ़ो इसको अच्छे से, ठीक है।